कॉन्फ्रेंस। आज है 16th of June 2022। कल रात को जो फेड रेट हाई हुआ है, दैट इज बाय 0.75% और 75 बेसिस पॉइंट्स, ये पिछले 28 साल का मैक्सिमम रेट हाइक इन ए सिंगल गो, एंड ऑल्सो गिवन ए इंडिकेशन दैट इन नेक्स्ट सेप्टेम्बर फेड मीट दे आर एक्सपेक्टेड टू हाइक 50 बेसिस पॉइंट्स और 75 बेसिस पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। ऑल्सो फेड चेयर जेरोम पॉवेल ने कहा है कि 75 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज इज एन अनयूजुअली लार्ज वन एंड डज नॉट एक्सपेक्ट मूव्स ऑफ दिस साइज टू बी कॉमन, यानी ओनली अगर इन्फ्लेशन बहुत ही गंदा आता है देन एंड ओनली देन सितंबर में फिर दोबारा 0.75 के लिए सोचेंगे, एल्स इट विल बी 50 बेसिस पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं रात को कैसे बिहेव किया डॉलर इंडेक्स एंड अदर करेंसी पेयर्स, एंड आज और आने वाले दिन में क्या एक्सपेक्टेड है। डॉलर इंडेक्स ड्यूरिंग द डे कल इट ट्रेडेड मींस मूव्ड हाई ऑफ 105.79 एंड फाइनली यूएस मार्केट में ये आपका 104.66 तक लो मूव हुआ है एंड अभी है 104.91। तो अभी हमें एक दो दिन का प्राइस एक्शंस और इंतजार करना है, उसके बाद ही एक डाउनवर्ड मूवमेंट का इंडिकेशंस के लिए हमें कुछ मिल सकता है। एज ऑफ नाउ डायरेक्टली हम स्पेशली हमें ये दिख नहीं रहा है कि डायरेक्टली नीचे की तरफ मूव होगा या नहीं होगा, यहाँ पे एक या दो कैंडल का ऑब्जर्व करना जरूरी है, उसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे कि ये नीचे की तरफ आएगा या नहीं। डॉलर रुपी में कल आपका ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स वेरी नैरो रेंज में ही मूव हुआ था, ये जो अपने 9 to 3:30 में कल 78.00 एंड 78.1050 के बीच में ही ट्रेड हुआ था, बट उसके बाद ये थोड़ा सा 13-14 तक मूव हुआ है। दैट बीइंग द केस अभी हमें क्या देखना है, यहाँ पे एक्चुअली अगर हमें आज या कल 15 जून एंड 16 जून का लो के नीचे सस्टेन करता है एंड फॉलो थ्रू होता है, दैट मींस 15 जून का है 78.00 77.9925 एंड 77.9625। सो दैट बीइंग द केस आपका आज या कल अगर ये 77.95 के नीचे सस्टेन करता है एंड उसके बाद थोड़ा सा फॉलो थ्रू देता है, सो एक्सपेक्टेशन ये हो सकता है कि ये रेंज के अंदर में जो ये जो कंसोलिडेशन रेंज था इसके अंदर में आ सकता है। एक बार अगर इसके अंदर में आ जाता है, सक्सेसफुली क्लोज दे देता है, देन ये जो एंड है इट विल बी कंसिडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकआउट एंड इन सच ए सिनेरियो वी मे एक्सपेक्ट ए वेरी फास्ट वेरी क्विक मूव टूवर्ड्स 77.40। तो अभी हमें पहले देखना है कि 77.95 के नीचे सस्टेन करना है एंड फॉलो थ्रू करना है फर्स्ट, सेकंड ये रेंज के अंदर में क्लोज देना है, कॉन्विंसिंगली क्लोज देना है, देन वी मे एक्सपेक्ट ए शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट। सो अभी दो लेवल का मीन्स ऑब्जर्वेशंस हमें चाहिए, एंड अबव द हाई ऑफ 13 जून वी मे एक्सपेक्ट 78.50 एज इमीडिएट टारगेट। जीबीपी डॉलर देखेंगे, परसों बहुत ही सेल ऑफ हुआ था एंड कल काफी रिगेन किया,
एंड रिगेन्ड द 14 जून लॉसेस। सो अभी हमें देखना है कि ये पर्टिकुलर जोन पे 1.22 इस जोन पे ये रेजिस्टेंस लेता है या कंटिन्यू करता है। अगर रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ पे थोड़ा सा साइडवाइज कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, और अगर इसके ऊपर क्लोज दे देता है देन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि इट विल मूव टुवर्ड्स 1.2450। तो यहाँ पे हमें ये प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है। अगर हम यूरो डॉलर का देखेंगे, यूरो डॉलर में कल एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है, बेसिकली कल एक ईसीबी का इमरजेंसी मीट हुआ है जहां पे बेसिकली दे डिसाइडेड अबाउट द यूकेज मींस प्लान टू स्क्रैप नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। तो बेसिकली नाउ देयर इज अ कंसर्न बिटवीन ईसीबी एंड यूके विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल। तो हमें आने वाले दिन में इसको देखना है कि हाउ बोथ द टू एंटिटीज आर रिजोल्विंग दिस पर्टिकुलर इशू। डॉलर येन अगर हम देखेंगे, डॉलर येन में कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है आफ्टर द फेड रेट डिसीशंस। तो यहाँ पे हमें एक या दो दिन का एक पॉजिटिव कैंडल देखना है। मीन्स बेसिकली हमारा क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि सपोज आज का एक स्मॉल या मीडियम साइज ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद अगर उसका लो तोड़ेगा नेक्स्ट डे देन वी मे एक्सपेक्ट ए गुड सेल ऑफ इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली प्राइस एक्शन का इंतजार है। जीबीपी आईएनआर में परसों का सेल ऑफ के बाद कल रिगेन अच्छा खासा हुआ है एंड हमें अभी देखना है कि इसके आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नहीं जाता है। सो प्राइस एक्शन कंफर्मेशंस आर अवेटेड। यूरो आईएनआर का देखेंगे, यूरो आईएनआर में कल एक अच्छा खासा स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशंस हुआ, मेजर कुछ प्राइस मूवमेंट हुआ नहीं है। तो अगर कल के हाई के ऊपर प्राइस आवरली बेसिस पे सस्टेन करता है देन वी मे एक्सपेक्ट एन अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स 82.60 and then 83.60. below the low of this spinning top we may expect some sell off towards 80.50, and within this particular range some sideways choppy volatile movements are expected. JPY INR dekhenge ki kal ek acha khasa pull back aaya hai consolidation ke baad, means jo 14th June ka jo sell off tha usko almost रिकवर कर चुका है। अभी हमें देखना है कि ये पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सस्टेन करता है या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है देन दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकडाउन एंड इन सच अ सिनेरियो वी मे एक्सपेक्ट अ वेरी फर्स्ट मूव टुवर्ड्स 0.5975 एंड 0.6050 की तरफ। सो हमें थोड़ा सा इसके लेवल के ऊपर अगर कन्विंसिंगली क्लोज दे देता है उसका हमें इंतजार रहेगा, एल्स थोड़ा सा साइडवेज चॉपिंग मोमेंट इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर में एक्सपेक्टेड है। डॉलर कैंडी हम देखेंगे कि कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ गया इस पर्टिकुलर लेवल पे, तो हमें यहाँ पे दो एक दिन प्राइस एक्शन देखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल आ जाता है एंड उस लो के नीचे क्लोज दे देता है देन वी मे एक्सपेक्ट अच्छा खासा एक सेल ऑफ। तो हमें इंतजार रहेगा प्राइस कैसे कैंडल कैसे फॉर्म होता है। ऑसी डॉलर में अच्छा खासा रिकवरी हुआ है कल एंड ये लेवल के ऊपर क्लोज दिया है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे वंस अगेन अगर यहाँ पे आज ये सस्टेन कर जाता है इस लेवल के ऊपर देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकडाउन एंड इन सच ए सिनेरियो इट मे एक्सपेक्ट टू मूव टुवर्ड्स दिस 0.7160 एंड देन 0.7260 की तरफ। डॉलर सी एन एच कल अच्छा खासा एक सेल ऑफ दिखा गया है एंड ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे चुका था एंड आज एक अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल बन रहा है। एंड अगर यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज है कि ये ग्रीन कैंडल ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द डे रेड होके इसके लो के नीचे क्लोज दे दे या आज
ये ग्रीन ही रह जाए। एंड अगर ग्रीन रह जाता है, कल अगर इसके लो को तोड़ देता है एंड थोड़ा सा सस्टेन करता है, देन वी मे एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ सेल ऑफ हियर। ब्रेंट ऑयल कल भी अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया एंड यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है यहाँ पे अटके हुए हैं। इसके लो के नीचे अगर क्लोज दे देता है, वी मे एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ सेल ऑफ इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम यूएस 10-ईयर ट्रेजरी देखेंगे, कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया पोस्ट फेड रेट, बिकॉज 12 बजे का जो जेरोम पॉवेल का प्रेस मीट था उसके बाद थोड़ा सा सेल ऑफ देखा गया। तो आज का ये कैंडल फॉर्म होने देते हैं, उसके बाद कल का जो हमारा डेली एनालिसिस होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।